Myself Sunil Kumar Tiwari. In previous video, I will talk about the multiplication of decimal. Multiplication of a decimal by 110,000 ADD. Multiplication of a decimal by whole numbers. Multiplication of a decimal by decimal. In this video, I will solve some questions of exercise 3C. That is your word problems. The question number in question number 7 and 8. Evaluate 1.2 whole square. I have taught this question in previous video, which is equal to 1.44. ये कर चुके हैं, इसलिए अब इसको नहीं आना है. क्यूब का क्या होगा, स्क्वायर का क्या होगा. इधर क्वेश्चन नंबर 8 में आइए. क्वेश्चन नंबर 8 में क्यूब है, क्यूबिक है, जैसे 0.5 का होल क्यूब. 0.5 इंटू 0 तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है. 0.5 इंटू 0.5 तो 5 × 25 × 125 हो जाएगा. ये आंसर होगा. ये प्रीवियस वीडियो में मैं करा चुका हूँ. अब ये क्वेश्चन नंबर 9 एक बार सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9. ये बस वैंकोवर कितना किलोमीटर बन रहा है. एस पी इसका है, एस पी इज इक्वल टू 62.5 किलोमीटर पर आवर. और टाइम दिया हुआ है, टाइम इज इक्वल टू 18 आवर. अब निकालना क्या है, डिस्टेंस. यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस. डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. स्पीड इनटू टाइम, स्पीड 62.5 इनटू 18. ये यूनिट किलोमीटर में, इसका डिस्टेंस किलोमीटर में. अब हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था मल्टीप्लिकेशन रोल नंबर होल नंबर की तरह मल्टीप्लाई करेंगे. इसके बाद डेसिमल 1.1 प्लस के बाद डेसिमल है, तो 1 प्लस के बाद डेसिमल. तो इसमें क्या करेंगे, 625 18 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 40 हुआ. और 16 और 20 48 और 2 50 या 5 होगा या 2 होगा या 6 होगा या 0 और या 5 और या 2 और या 0. अब वन डिजिट के बाद डेसिमल है, तो यहाँ डेसिमल कर देंगे. ये हो जाएगा 11,125 किलो. ये करेक्ट आंसर है. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 बैट वी वेज 97.8 केजी. हाउ मच वीट इज कंटेन इन 500 बैग. एक बैग में कितना है, वन बैग कंटेन 97.8 केजी. सो 500 बैग कंटेन 97.8 into 500. अब 500 तो करना है, तो 2 0 तो आ ही जाएगा, लेकिन यहाँ 2 0 है. अब क्या करेंगे, 5 से 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 40 कैरी हो गया 4
सेवन फाइव का 35 फोर 39 33 नाइन फाइव या 45 और 348 40 सेवन फाइव या 35 और 4 39 नाइन फाइव 45 और 348 इतना चाहिए। अब डेसिमल कितना होगा 1 प्लस के बाद एन टू, तो डेसिमल 1 प्लस के बाद कर देंगे ये कितना में जाएगा, ये डेसिमल रख के जीरो आनी चाहिए तो ये हो गया इतना चाहिए 48,900। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14, ए बोतल होल्ड 950 ग्राम क्या है, हाउ मेनी केजी ऑफ जैम विल बी देयर इन 25 सेकंड, वन बोतल और 925 का, सो 25 सच बोतल्स, सच बोतल्स होल्ड 925 इंटू 25 क्या। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए 925 25 का 25 हुआ या 10 12 पहली बार हुआ 45 1 46 हुआ 5 3 10 हुआ 2 3 4 1 5 हुआ 9 3 18 तो 5 हो गया, 2 हुआ 11 हुआ 12 130 112 ये हो गया 23,125 ग्राम। इसको केजी में बदलेंगे तो 1 केजी या 1,000 ग्राम कंटिन्यूअस, तो 1,000 से इसको डिवाइड कर दें डिवाइड किएगा जाएगा 23.15 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 16, 1 kg राइस कॉस्ट 86 1 kg राइस कॉस्ट 56.80 रुपीज, what is the cost of 16.25 kg of rice? Question number 16, 1 kg of rice cost kitna hai 56.80, कितना केजी का निकल रहा है 16.25 kg ऑफ राइस पॉट। अब डेसिमल बाय डेसिमल है तो इसको पहले क्या करेंगे, होल नंबर की तरह इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये जीरो पे छोड़ देंगे, जीरो पे लास्ट में रख देंगे 568, फिर मल्टीप्लाई करते हैं ये 40 16 और 4 20 42 48 और 2 50 35 85 30 ये इसके बाद सिक्स करें जीरो का है या जीरो की रख सकते हैं, इसके बाद इसको करें 6530 ये होगा 12
12, 350, 21, 36, 1, 37, 23, 639. तीन दो 20 नंबर दे यहाँ पे करें 5, 25. उसके बाद 5, 25, 22, 5, 10, 12, 21, 5, 6, 30, और 31, 33, 5, 6, 7. इधर से 0, 0, 5, 5, 10, 9, 3, 12, 1, 30, 9, 10, 11, 1, 12, 9. ये आया यहाँ पर मैं फ्लाई के लिए 9, 2, 3, 3, 0. अब है डेस्कल सब पॉइंट से टिक कितना होगा, टू प्लेस इसमें है या टू प्लेस इसमें, टू कितना हुआ तो नहीं तो ये क्यों ये भी आएगा, ये वाला नहीं है, ये क्यों ये देखेंगे डेस्कल सब टिक क्यों होगा, फोर पॉइंट से पे होगा यहाँ आएगा डेसिमल, ये कितना हो गया टोटल 9, 9, 20, 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
923। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 70, सॉरी क्वेश्चन नंबर 70। ए टैक्सी ड्राइवर चार्ज 9.8 रुपीज। पर किलोमीटर हाउ मच विल बी चार्ज फॉर ए जर्नी ऑफ 106.5 किलोमीटर। तो एक किलोमीटर का चार्ज कितना है? ये सोल्यूशन 70। द चार्ज ऑफ 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 9.8 किलो। द चार्ज ऑफ 106.5 किलोमीटर इज इक्वल टू 9.8 किलो इंटू 106.5। ये इसका चार्ज है। अब इसको उसी तरह मल्टीप्लाई कर देंगे 1,055.98 अब इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे कितना हुआ? ये 40, 44, 48 और 4 8 और 5 30 31 31 40 91 10। ये हो गया कितना? 07 3 4 0 1। अब कितने डिजिट के बाद रेस्पॉन्स देना है? 1 2 प्लस इसमें है, 1 प्लस इसमें है, 1 3 1 2 3। यहाँ रेस्पॉन्स दीजिए, ये रिपीट हो गया। इसके बाद ये भागा भी सकते हैं या रख भी सकते हैं। ऐसे लिखेंगे 10 5 4 3 1047.70 रुपीज में डेसिमल प्लस वो डिजिट रख सकते हैं, करेंगे कोई इतना ही। इस तरह से आपका ये चैप्टर जो है फिनिश हुआ। सर मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग डिवीजन और डेसिमल पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस।